और आर्मर बनाने के बाद हम लोग जाएंगे केव के अंदर फिर से, क्योंकि एक बार पास आर्मर हो तो यार थोड़ा सिक्योरिटी सेफ्टी रहता है कि यार स्केलेटन मेरे को है ये क्या अवस्था। व्हाट्स एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आज हम लोग फाइनली माइनक्राफ्ट में स्टार्ट करने जा रहे द हार्डकोर सीरीज, मतलब आज होने वाला एक नया वर्ल्ड, एक नई शुरुआत बट हार्डकोर में। अभी तुम लोग ऑब्वियसली जानते हो कि हार्डकोर में क्या होता है इस गेम मोड में। मैं अगर एक बार मर गया दैट्स इट द एंड, मेरा पूरा का पूरा वर्ल्ड चला जाएगा, दैट विल बी द एंड। और मैंने आज तक एक बार भी माइनक्राफ्ट को हार्डकोर में नहीं खेला है, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ऑलराइट गाइस, क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड हार्डकोर और शुरू करते हमारी नई जर्नी। ओके, वर्ल्ड जनरेट हो रहा है, वर्ल्ड जनरेट हो रहा है। भाई यार अच्छा सा वर्ल्ड मिल जाए, अच्छा सीड मिल जाए बस। क्या लगता है गाइस तुम्हें, मैं कहां पर स्पॉन होऊंगा, मैं कौन से बायोम में स्पॉन होऊंगा, जल्दी कमेंट करो नीचे प्लीज यार, बस कोई अच्छा स्पॉन मिल जाए। ओके, तो हम लोग स्पॉन हुए हैं जंगल के अंदर, स्पॉन हुए बट आई डोंट माइंड, ये जंगल मस्त लग रहा है। ओ यहाँ पे पंपकिन कौन लगा इतने सारे? ओ यस, यहाँ बहुत सारे पंपकिन है। ओ भाई मेरे हार्डकोर वर्ल्ड में मैंने सबसे पहला काम क्या किया है, पंपकिन तोड़ने का। नाइस, मैंने सबसे पहले पंपकिन तोड़ा है। तो इससे पहले कि हम लोग खेलना चालू करें, घर भी बनाना चालू करें, सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ना अपने आसपास अपने एनवायरनमेंट को समझ ले। ओके, तो हम लोग स्पॉन हुए हैं, ये आई थिंक बर्च फॉरेस्ट है और ये शायद से ओक फॉरेस्ट है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर हमारे सामने सवाना बायोम है, वहां पर डेजर्ट बायोम देखकर मुझे लग रहा है यहाँ पर बीच में एक मस्त सा ऐसा पानी का एक मस्त जगह है। अब ये जगह मस्त लग रहा है मेरे को। और वेट अ सेकंड, क्या वो बर्फ है? भाई मेरे स्पॉन के पास बर्फ है। भाई मेरा गेम जहाँ पर चालू हुआ पे बर्फ मिल रहा है मुझे। ओ यस गाइस, यहाँ पर बर्फ है। ओ भाई यहाँ पर पीछे पूरा बर्फ का पहाड़ है। और मैंने पंपकिन क्यों लगा दिए सारे? ओ भाई यहाँ पर तो पूरा मस्त सा बर्फ है। ओए 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 शिट, मेरी आधी हार्ट, मेरे को आधा हार्ट का डैमेज पड़ गया। अबे यार ये हार्डकोर मोड में ना डैमेज नहीं लेना यार, हार्डकोर मोड में यार डैमेज नहीं करना है। ओके गाइस, अभी हम लोगों को सबसे पहले प्रिपेयर करना है पहले नाइट को सर्वाइव करने के लिए। कॉस्ट में बताया कि फर्स्ट नाइट हमारे पास लिटरली कुछ नहीं होता। वो यहाँ पर एक विलेज भी है। ओ भाई मेरे घर के जस्ट पास एक विलेज है। और ये भाई ओके, यहाँ पर एक बहुत ही डीप वाला केव है जिसमें मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, भाई हार्डकोर मोड में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं इधर ही खेल रहा हूँ। तो हम लोग ना पहले विलेज चले जाएंगे, विलेज अपने को ना बहुत ही आसानी से स्टार्ट करने की चीजें मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पर आई थिंक मेरे को लगा था डेजर्ट है, पर ये डेजर्ट नहीं है। मुझे थोड़ा खाना चाहिए, मुझे थोड़ा ओ शिट भाई यार ये हार्डकोर मोड में डैमेज नहीं लेना। यहाँ पर खाना कहाँ पर है? गांव वालों थोड़ा सा खाना दे दो प्लीज। क्या इनके पास खाना है क्या? ओ अच्छा, ओ यस नीचे खाना है। अभी कितना बड़ा विलेज है, ऊपर से लेके नीचे तक विलेज है। और यहाँ पर एक रुइंड पोर्टल भी है। अबे यार मेरे को तो बहुत सारे स्पॉन मिला है भाई, ये स्पॉन तो बहुत मस्त है। और ये रहा थोड़ा और खाना, ये रहा। तो पहले थोड़ा खाना जुगाड़ कर लेते हैं, क्योंकि खाना होना हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार देखो, रात सर्वाइव करने का जुगाड़ तो अपना हो चुका है, ठीक है। हमारे पास यार विलेज है, हम लोग लिटरली इस विलेज में रात सर्वाइव कर सकते हैं, उसी कोई टेंशन नहीं हमारे लिए अभी। बट फिर भी हमें आज के दिन हमारा सबसे पहला जो घर है उसको बनाना है। तो गाइस बेसिकली हम लोग आज के दिन क्या करने वाले, हम लोग आज के दिन हमारा सबसे पहला घर बनाएंगे इस नए वर्ल्ड में। और हमारे घर के साथ साथ हम ना थोड़ा सा आसपास एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा आसपास जाकर देखेंगे यहाँ वहां पर क्या चीजें हैं, क्या है नहीं है, और थोड़ा समझेंगे कि हमारे वर्ल्ड में क्या है, क्या करना है नहीं करना, समझेंगे हम लोग वर्ल्ड को। ओके, लग गया क्राफ्टिंग टेबल, स्टिक्स बन गए, स्टिक्स से हम लोग थोड़े से स्टार्टिंग के टूल्स बना लेंगे। ये बन गया अपना पिकैक्स, ये बन गया अपना एक्स, और अभी इससे थोड़ा सा खाना बना लेंगे। और यस हमारे खाने का जुगाड़ हो चुका है। ओके, तो यार ये विलेज में कोई रहता नहीं है क्या? सर खाली खाली सुना सुना सा विलेज क्यों लग रहा है मेरे को ये? हेलो, इतना बड़ा घर है, इस घर में कोई तो रहता होगा। हेलो, कोई नहीं है घर में। चेस्ट में क्या है? ओ चेस्ट में एम्प्टी मैप्स है। ओके, मैं ये ले लूंगा, थैंक यू। अबे यार दो डंडी चेस्ट के अंदर ही थी यार, फालतू बना ली, पर कोई टेंशन नहीं। ओ कार्टोग्राफर टेबल, क्या हम लोग कार्टोग्राफर टेबल में मैप रख सकते हैं? मेरे को नहीं पता कार्टोग्राफर टेबल कैसा यूज करते हैं। क्या हम लोग कार्टोग्राफर टेबल में मैप के साथ साथ पंपकिन नट्स नहीं डाल सकते यार? मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं आता यूज करना, ठीक है मेरे को नहीं आता। मैं जा रहा हूँ बाकी का गांव देखने जा रहा हूँ। नीचे मेरे को लग रहा है बाकी का और गांव है, तो हम लोग चलेंगे जल्दी से ना ये विलेज को थोड़ा और एक्सप्लोर करने। ओ यस, ओ शिट,
ये नहीं करना है, ये नहीं करना है भाई, ये दर्द नहीं करना है मुझे। अरे गाइस हार्डकोर में ना आगे बढ़ने से पहले मेरे को अचानक से याद आया कि ना नीचे ऐसा लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, अगर तुमने उसको अभी तक नहीं दबाया तो उसके पास जाने का ऐसा मार देगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। और अगर तुमने तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक करो। आज की वीडियो का लाइक गोल रखते हैं 75,000 लाइक्स का। अबे यार ये जगह क्या मस्त लग रहा है गाइस, देखो ये जगह क्या मस्त लग रहा है। ये जगह पता है मैं पता है क्या सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि ना मैं मेरा घर ना इस गोल में ना पानी के ऊपर बनाऊंगा। मेरे को बड़ा इच्छा हो रहा है पानी के ऊपर घर बनाने का। तो अगर मैं वो पानी के ऊपर घर बनाने, पास दो ऑप्शन है, तुम लोगों को दिखा दो। पहला ऑप्शन है ये, मैं पानी के ऊपर ना घर यहाँ पर बना सकता हूँ ये जगह पर। और दूसरा ऑप्शन जो है वो मतलब उतना, देखो ये जो पानी है ना, ये पानी में ऐसा अलग अलग टेक्सचर है, ठीक है, अलग अलग कलर है। इधर देखो मस्त ऐसा गोरा गोरा पानी है, ऐसा अलग अलग पानी लग रहा है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम लोग कहीं घर बना सकते हैं तो वो ना इस तरफ है, और वो जगह है ये। मैं या तो घर वहां बना सकता हूँ या मैं घर को यहाँ बना सकता हूँ इस जगह के सेंटर में। यार ये दोनों जगह मेरे को बहुत मस्त लग रहा है, पर पता है ये जगह अच्छा तो लग रहा है, वो जगह भी अच्छा लग रहा है। यार मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं घर कहाँ बनाऊँ, क्या मैं घर यहाँ बनाऊँ या मैं घर वहां बनाऊँ। अबे यार इतने बड़े बड़े डिसीजन क्यों लेने पड़ते हैं यार, ऐसे डिसीजन लेने से फटती है मेरी यार। मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये जगह भी मस्त लग रहा है, मुझे वो जगह भी मस्त लग रहा है, मैं कहाँ पे घर बनाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर एनीवे गाइस सबसे पहले हम लोग चलते उस विलेज के अंदर, और विलेज के अंदर पहले विलेज को देख लेते हैं क्या है, कितने विलेजर है, क्या चीजें नहीं है, और उसके बाद हम लोग एक घर का डिसीजन लेंगे। ओके हम लोग यहां से नीचे चल लेंगे। ओ यहां पे बहुत सारे बकरियां भी हैं, पर मेरे को बकरियों को मारने की जरूरत नहीं है, मैं इन बकरियों को जमा करके लेके आ सकता हूं बाद में जब मुझे काम आएंगे। ओके मैं ये नीचे वाले विलेज में आ चुका हूं, और वेट अ सेकंड यहां भी कोई विलेजर नहीं है। हेलो 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 गांव में कोई है? ओ इसके पास ब्रेड है, मैप भी है। भाई ये क्या टट्टी लोग हैं यार, गांव में कोई नहीं है। हेलो 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 किधर हो? लगता है सब गांव वालों के एग्जाम चल रहे हैं, पर अगर एग्जाम चले तो घर के अंदर तो होंगे। घर के अंदर कोई है तेरे? ये घर में कोई है? ये घर में कोई नहीं है। अजीब लोग हैं यार, कहां पर है सब लोग, है कहां, पूरे गांव में कोई नहीं है क्या लिटरली? ओए क्या इधर कोई है? इधर भी कोई नहीं है भाई, मैं सबके घर से खाना चोरी कर रहा हूँ, मैं लिटरली सबके घर से खाना चोरी कर रहा हूँ। माइनक्राफ्ट का ना फर्स्ट डे सबका वही होता है, सबके घर से खाना चोरी करो। ओ हेलो घोड़े, तू मेरा घोड़ा बनेगा, ठीक है, अभी अभी तो नहीं, पर मैं तेरे को मेरा घोड़ा बनाऊंगा, ठीक है, तू बनेगा मेरा घोड़ा। ओ यस यहाँ पर एक गाँव वाला है। ओ यहाँ पर दो गाँव वाले, ये दोनों क्या कर रहे? हेलो क्या आप लोग आपस में गुल्लू गुल्लू कर रहे हो? हाँ अच्छा करो करो गुल्लू गुल्लू करो, मैं जाता हूँ। सॉरी सॉरी गाइस तुम्हारा गुल्लू गुल्लू डिस्टर्ब किया, मैं सॉरी, मैं जाता हूँ, बाय। हेलो आयरन गोलम, आयरन गोलम, आयरन गोलम, आयरन गोलम, आयरन गोलम, अरे ओए आयरन गोलम, ओ शिट मैं धक्का मारूंगा नहीं आयरन गोलम को। आयरन गोलम कैसा है? आयरन गोलम, आयरन गोलम तू मेरी रक्षा करेगा ना? करेगा नहीं करेगा भाई। आयरन गोलम कुछ नहीं बोला, ऐसे ही भग गया यार, गजब बेइज्जती यार। छोड़ो यार ये घर के तो देखते क्या है, घर के अंदर क्या है। अबे कितना ब्रेड रखते हो घर में रे? पर यार मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, ये इतने बड़े से विलेज में सिर्फ दो विलेजर्स हैं। इतना बड़ा विलेज है उसके अंदर सिर्फ लिटरली दो विलेजर्स हैं, बस दो और कुछ भी नहीं है। और ये दोनों शर्मा के भाग गए यार। ओके करो करो गुलू गुलू करो, गुलू गुलू करो भाई आपस में, क्या चल रहा है ये? रुको रे दो मिनट, ये रुको रे, ओए सुनो रे, हेलो 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 सुनो, हेलो यस मेरी बात सुनो, मैं आज से तुम लोग के इस जगह का प्रधानमंत्री हूँ, ठीक है, मुझसे तमीज से, ओए तमीज, मैं बोला मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं आज से इस दुनिया का, पूरे दुनिया का प्रधानमंत्री हूँ मैं, ठीक है, सब तमीज से, यस आंखें झुका के बात करो मुझसे, मेरी तरफ देखना नहीं आंख उठा के, समझा, तमीज से आंख झुका के बात करो, झुकेगा नहीं, ओए आंख झुका के बातें करो, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई थॉट, आग चुका के बातें करो। ओए घोड़े तू का बीच में आ रहा है, तू का बीच में आ रहा है, यस मैं आज से तुम लोग के इस जगह का प्रधानमंत्री हूँ, ठीक है, सॉरी प्रधानमंत्री, मैं तुम्हारे यहाँ का राजा हूँ, आई एम योर किंग, बाउ डाउन बिफोर योर किंग। पर ये गांव में सिर्फ दो गांव वाले क्यों है? मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये कि दो ही गांव वाले क्यों है? वो ये तो ट्रेडर है, धंधा करता है ये, तू क्या ट्रेड करता है? रॉटन फ्लैश लेके मेरे को एमरल देगा, और ये तो बहुत काम की चीज है भाई, ज़ॉम्बिया मारूंगा इससे एमरल लूंगा, और एक एमरल का दो रेडस्टोन देगा भाई, ये जानता है मेरे को रेडस्टोन करना पसंद है। नाइस तेरे पास क्या है? ये 24 पेपर, व्हाट द हेल, व्हाट द हेल भाई, क्या मस्त विलेजर्स मिले मेरे को। ए भाई ए तुम लोग को जिंदा रहने का, तुम लोग मरने का नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ भाई, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, रात हो गई, निन्नी मिन्नी करनी है भाई, निन्नी नुन्नी करने जा रहा हूँ मैं, निन्नी नुन्नी करने जा रहा हूँ मैं, नहीं खेल रहा हूँ भाई, ये दोनों भाई, ये दोनों को ना मैं अभी फंसाऊंगा, ये दोनों को मैं अभी बंद करूंगा, रुको रुको, इन दोनों के लिए मुझे काल कोठरी बनानी है अभी,
इन दोनों के लिए मुझे अब भी बनाना काल कोटरी। इन दोनों को मैं मरने नहीं सकता गाइस। ये दोनों अगर कुछ भी कारण से मर भी गए ना तो भाई वांधेरा जाएगा क्या मस्त विलेजर है भाई, धंधा क्या खतरनाक चलेगा इन दोनों के साथ। पर ये दोनों मरने नहीं चाहिए। ओ यस, मैंने मेरा पहला मॉन्स्टर मारा। यस, हमने क्रीपर मार दिया। अबे ओए, तुम लोग दोनों को मरने का नहीं है बाबा। रुको रुको रुको, मेरे को ना सबसे पहला पता है क्या करने का है, मेरे को सबसे पहले ना आयरन ढूंढने का है, ठीक है? नहीं छोड़ो, मेरे को आयरन भी नहीं चाहिए। मेरे को सबसे पहले पता है क्या करने का है, मेरे को सबसे पहले ना इन दोनों के आसपास ना काल कोटरी बनाने का है। जल्दी यहाँ से थोड़ी लकड़ियाँ तोड़ लेता हूँ और ये झाड़ को मैं आधा काट के जा रहा हूँ और थोड़ी लकड़ियाँ यहाँ से भी तोड़ लेता हूँ। भाई मेरे को काल कोटरी बनानी है, वो दोनों के दोनों मेरे को बंद चाहिए, ठीक है? वो दोनों के दोनों मुझे बंद चाहिए, वो दोनों के दोनों कहीं जाने भी नहीं चाहिए, ठीक है भाई? ये दोनों बहुत ही ज्यादा काम के विलेजर्स है भाई, ऐसे विलेजर नसीब से मिलता है भाई। सोचो इनके साथ धंधा करके मेरे पास कितना एमरल्ड रहेगा, कितना एमरल्ड। ओ इधर आओ। ओए कहाँ भाग रहे हो भाई, बड़े बेशरम भाग गए यहाँ से यार, टट्टी विलेजर एक नंबर के। ओए इधर आओ, चलो हाँ जा घर के अंदर जा, हाँ जा जा अंदर जा, अंदर जा अंदर जा, वेरी गुड। तू किधर जा रहे है, तू किधर जा, जा 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 घर में जा, घर में जा, घर में जा, जा घुस घुस घुस, वेरी गुड। ऐसा नहीं बंद, अरे ऐसा घास कौन लगाता है इधर उधर। हाँ तो यस गाइस, हमने दोनों विलेजर्स को उनके घर के अंदर फंसा दिया है। अब से ये इनका घर नहीं है, अब से ये इनकी काल कोटरी है, ठीक है? खिड़की है घर में, हाँ खिड़की है। ओए सुन, अब से तू इस घर के अंदर रहेगा, ठीक है? मेरे को अगर धंधा करने का है मैं तेरे साथ यहाँ से धंधा करूंगा। ओए धंधा कर दे तेरा, मैं धंधा यहाँ से भी कर सकता हूँ। मैं इस खिड़की से आके धंधा करूंगा, ठीक है? तो ये दो घर है, ये दो घर हमारे यहाँ के जो विलेजर्स है उन लोग के लिए सबसे पहला काल कोटरी है। यहाँ पे हमने दो विलेजर्स को धर लिया है, बंद कर लिया इन लोग को। आज के बाद से ये दो विलेजर इनके इसी घर में पूरा जिंदगी निकालेंगे और मेरे साथ ट्रेडिंग करेंगे। भाई यार कितना एमरल्ड निकाल सकता हूँ मैं इनके साथ, भाई मैं कितना एमरल्ड निकाल सकता हूँ भाई, अमीर बन जाऊंगा मैं, अमीर हो जाऊंगा भाई। ओके ओके ओके, मेरे को ना मेरा घर बनाने का है, पर उसके पहले मैं इस घर को मेरा घर की तरह यूज करूंगा, ये मेरा घर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ना थोड़ा सा आयरन जमा करेंगे क्योंकि मेरे को आयरन चाहिए, और हम लोग बनाने का आयरन का टूल, ठीक है? तो घर भी बनाने से पहले हमारा जो ये गांव का जो ये घर है, ये हमारा टेम्पोररी घर की तरह अभी अभी के लिए काम कर सकता है। तो अभी मेरे को क्या करने का, अरे मैं ब्रेड रख के आ गया। अभी ना गाइस मेरे को जाने का केव के अंदर, और केव के अंदर जाकर मैं ढूंढने वाला हूँ कोल, आयरन। अगर डायमंड मिल गया तो डायमंड, जो ऑफ कोर्स घंटा डायमंड मिलने वाला है, पर मैं डायमंड ढूंढने का ट्राई करूंगा। पर मेरे को आयरन चाहिए, मुझे सबसे पहले आयरन चाहिए, जिस आयरन से मेरे को एक शील्ड बनेगा ताकि मैं ये क्रीपर वीपर के ब्लास्ट से मैं आराम से बच सकूं। ओके मेरे पास बहुत सारा ब्रेड हो चुका है, अभी हमारे क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ से वापस ले लेंगे और चलते हैं केव के अंदर। मैंने पीछे शायद से यहाँ पर एक केव का एंट्रेंस देखा था। ओ शिट, दोपहर हो रहा है, क्या मैं दोपहर को जाऊँ? अभी जाने में तकलीफ तो कुछ है नहीं क्योंकि केव के अंदर तो ऐसे भी अंधेरा ही होने वाला है, वहां पर तो एनीवे कुछ भी करके उधर मॉब्स होंगे ही, तो फर्क ही नहीं पड़ रहा अपने को। तो चलो गाइस सब लोग चलेंगे केव के अंदर। कहा था केव, अबे ये कैसा झाड़ है, ये क्या सपोर्ट है भाई, एक पिक्सल में सपोर्ट कर रहा है, नाइस। ओके आई थिंक केव यही पर कहीं तो था, वो शायद से ऊपर था। ओ ये रहा केव, ये रहा भाई, ये बहुत ज्यादा गहरा केव है। ओ यहाँ पर ऑलरेडी एक ज़ॉम्बी है, ज़ॉम्बी के पास आयरन का शवल है। इधर आ इधर आ, मर जा मर जा। ओ मर गया, पर शवल ड्रॉप नहीं किया, नुकड़ा कहीं का। क्या यहाँ पर आयरन है? ओ नहीं 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 नहीं, स्केलेटन नहीं, ओ नहीं, शेट शेट शेट, मेरे को नहीं मरना है, मैं नहीं खेल रहा हूँ, बाय बाय। ओ शेट ओ शेट ओ शेट, ओ भाई इसकी आज एम इतनी मस्त कैसे लग रही है भाई। मेरे को आर्मर चाहिए, मेरे को लिटरली मेरे को शील्ड चाहिए, बिना शील्ड के मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे को लिटरली शील्ड चाहिए यार। मैं एक बार सोच रहा था कि मैं वहां से आयरन गोलम को मार के आयरन ले लूं, बट देन यार मेरे को आयरन गोलम को नहीं मारना है यार, वो आयरन गोलम मेरे को दिल का अच्छा लगा देख के, मुझे उसको नहीं मारना है। तो मुझे ना यहाँ पर ना एक और एक्स बना लेनी है क्योंकि मेरे को एक्स लगने वाला है। यार मेरे को सबसे पहले बस आयरन चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भाई, और मैं अंदर जाऊँ कैसा, स्केलेटन है। क्या यहाँ पर एक और केव है, क्या क्या यहाँ पर एक छोटा सा केव है जहां से मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा आयरन। ओ यस ये रहा आयरन, ये रहा। ओ वेट वेट वेट, आयरन को निकालने के लिए मुझे स्टोन यूज नहीं करना, मैं ऑलमोस्ट भूल गया था, मैं लिटरली और मैं लिटरली स्टोन को भी यूज करने वाला था आयरन निकालने के लिए, और मेरा पोपट हो जाता बहुत गंदा वाला, बट नहीं बच गया। ओके यहां से हम लोग आयरन निकालेंगे भाई, थैंकफुली मेरे को बहुत साफ नहीं आयरन मिल गया, और ये तो बहुत सारा आयरन है, नाइस। ओके हमारे पास अभी आयरन हो चुका है, तो अभी क्या करेंगे, इस आयरन को लेकर हम नीचे चलेंगे क्योंकि आई थिंक नीचे मेरे को ना किसी एक घर में ना ब्लास्ट फर्नेस दिखा था, क्या वो इस घर में था?
नहीं नीचे घर में। ओके नीचे चलते हैं। भाई मैं सर डैमेज खाते खाते क्यों जा रहा हूँ नीचे, मेरे वो केव के अंदर तो जाना है। आयरन गोलम बाहर वेट कर रहा है कि यार वो क्या कर रहा है अंदर। आयरन गोलम, आयरन गोलम, इधर आयरन गोलम, सुन मेरी बात, रुक जा आयरन गोलम, ऊपर आके बात करता हूँ। अरे सुन आयरन गोलम, लिसन टू मी आयरन गोलम, आई एम योर किंग नाउ। एग्जैक्टली आयरन गोलम, आंखें झुका के बात करना ठीक है, आंखों से आंखें मिला के नहीं देखना कभी ठीक है। ओ नहीं बोला मैंने, मैंने बोला आंखों से आंखें मिला के नहीं देखना है। हाँ एग्जैक्टली ठीक है आयरन गोलम, तेरे को इन दोनों प्लेयरों को सेफ रखने का है ठीक है, ये दोनों हमारे कैदी है और तेरे को इन दोनों कैदी को सेफ रखना है। ओके आयरन गोलम, वेरी गुड। अब यहाँ पर कहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस था, किसी के तो घर के अंदर था ब्लास्ट फर्नेस, वो ये रहा ब्लास्ट फर्नेस। चलो चलो आयरन पिघलाओ, चलो चलो जल्दी जल्दी आयरन पिघलाओ, जल्दी जल्दी आयरन पिघलाओ। आयरन पिघलते मेरे को सबसे पहले ना आयरन के टूल्स बनाने। आई थिंक मेरे पास इनफ आयरन है कि मैं एक आयरन का पिकैक्स, एक आयरन का एक्स और मैं एक आयरन का शील्ड बना सकता हूँ। शील्ड तो आयरन का ही होता है, और कौन सा आइटम का शील्ड बनता है। ठीक है ये बन गया, इधर आ जाओ। चलो सबसे पहले बनाएंगे आयरन का पिकैक्स, फिर बनाएंगे आयरन की एक्स, और ये दोनों बनने के बाद हमारे पास ये है जिसके साथ हम लोग बनाएंगे एक शील्ड। शील्ड ऐसे ही बनता है ना, शील्ड कैसे बनता है। हेलो हाउ टू मेक अ शील्ड। ओह अच्छा, शील्ड के लिए मुझे यहाँ पे एक आयरन रखना है और मुझे ऐसे रखना है। ओह यस बन गया, गुड जॉब गुड जॉब। ओके तो हमने हमारे आयरन का बेसिक टूल्स बना लिया है और बेसिक टूल्स के साथ साथ हमने एक शील्ड भी बना लिया है। अब यार माइनक्राफ्ट में रात हो रहा है तो चल के ना अभी निन्नी नुन्नी करने जाते हैं, क्योंकि अपने को सोने गया रात के लिए, माइनक्राफ्ट नहीं खेलते। तो चलो निन्नी करने, अबे निन्नी करने दे यार। ओ गाइस एक सेकंड, मैं अभी रियलाइज कर रहा हूँ कि हार्डकोर में ना डिफिकल्टी हमेशा हार्ड पे रहता है, और आई थिंक हार्ड डिफिकल्टी में ये सारे ज़ॉम्बीज जो है ना, ये लोग दरवाजे खोल के या दरवाजे तोड़ के अंदर आ सकते हैं। मतलब मैंने कभी करते देखा नहीं उन लोगों, क्योंकि मैंने हार्डकोर में कभी खेला नहीं, पर मैंने सुना है कि ये हार्डकोर मोड में ज़ॉम्बीज दरवाजे तोड़ के अंदर आते हैं। क्या सच में ज़ॉम्बीज ये कर सकते हैं? अगर तुम्हें से किसी को पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या ज़ॉम्बीज दरवाजे तोड़ के एक्चुअली अंदर आ सकते हैं। ओके गाइस हम लोग अभी चलेंगे केव। अबे ब्रेड लाना भूल गया यार, ब्रेड रख के आ गया, बड़ा केव में जा रहा हूँ प्रो बनने, प्रो की तरह केव में जा रहा हूँ, ब्रेड घर रख के आ गया। अबे घर से ब्रेड तो लेके आओ पहले। गाइस मेरे को अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि इतना बड़ा विलेज है और पूरे विलेज में लिटरली सिर्फ दो विलेजर, और वो जो दोनों विलेजर है उन लोग का जॉब देखो क्या मस्त है, दोनों के दोनों मेरे को एमरल्ड पे एमरल्ड देने वाले। एक लिटरली पेपर से एमरल्ड देगा और दूसरा जो है वो रॉटन फ्लैश लेके एमरल्ड देगा। वैसे पेपर से एमरल्ड देने से मुझे याद आया, थोड़ा मुझे शुगर केन उगाने को लग के जाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, जब तक मैं केव घूम के आऊंगा यहाँ पर ना बस बहुत सारा शुगर केन होगा जिससे मैं बहुत सारे एमरल्ड ले सकता हूँ। वो रहा शुगर केन, वहाँ तो सिर्फ लिटरली दो ही शुगर केन है, बस इतना शुगर केन है यहाँ पर, इतने बड़े जगह पे इतना शुगर केन है। यार मुझे ये जगह पसंद है यार, मैं सोच रहा हूँ मेरा घर मैं यहीं पर ही बनाऊंगा, मैं मेरा घर यहीं पर बनाने वाला हूँ, मैं मेरा घर पानी के अंदर बनाऊंगा। ओह वेट व्हाट है, गाइस क्या वो एक और विलेज है? अबे हाँ वो एक और विलेज है, अबे हमारे विलेज के जस्ट बाजू में एक और विलेज है। उधर मेरे को नहीं जाना है, मेरे को देखने को भी नहीं जाना है। भाई हमारे विलेज के बाजू में एक और विलेज है। अबे यार क्या मस्त जगह मिला यार, क्या मस्त स्पॉन मिला है। अगर मैं यहाँ पर मेरा घर बनाऊँ तो मेरे घर के जस्ट बाजू में यहाँ पर एक विलेज है, और मेरे घर के दूसरे बाजू में यहाँ पर एक और विलेज है। अभी क्या मस्त जगह मिला है, क्या मस्त विलेज है, और ये आई थिंक डेजर्ट विलेज है। इसका मतलब गाइस इसके आगे पूरा डेजर्ट है। हेलो गांव वालों, ओ यस यहाँ पर बहुत सारे विलेजर्स है, यहाँ पर बहुत सारे विलेजर्स है। भाई मैं सोच रहा था कि यार मुझे विलेजर्स लाने पड़ेंगे, पर भाई यहाँ पर विलेजर्स है और इसके आगे यहाँ पर पूरा खुला समंदर है और यहाँ पर डेजर्ट भी है। नाइस, अबे क्या मस्त स्पॉन मिला है भाई। ओ वेट अ सेकंड, वहाँ पे लाइट क्यों जल रहा है? अबे यहाँ पर कोरल है, अबे पूरा कोरल है घर के पीछे। भाई मेरे घर के पीछे पूरा कोरल भरा पड़ा है। ओ यस, लिटरली पूरे घर के पीछे कोरल ही कोरल भरा पड़ा है। नाइस, ओके मेरे घर के पास दो विलेज है, मेरे घर से थोड़ा सा दूर बस एक कोरल भरा है, और यार मुझे पता है मुझे घर कहाँ पर बनाना है। मेरा घर जहाँ बनाना है वो जगह मेरे लिए सॉर्ट हो चुका है, और यहाँ पर हेलो, ओ ये तो चड्डी बनियान दे रहा है। हेलो हमारे घर के ऊपर क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ पर भी एक और आयरन गोलम है, और यहाँ पर बहुत सारे विलेजर्स है भाई, यहाँ पर बहुत सारे विलेजर्स है। वो दूसरे विलेज है बस दो लोग है, यहाँ पर तो भाई लिटरली पूरा गांव बस रखा है भाई। नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। तो यार अपने को केव जाना था, और मेरे को लग रहा है यही से केव का रास्ता है क्या? वो है तो सही। ओ बाय द वे गाइस, केव जाने से पहले अबे ये क्या है यहाँ पर? अबे ये विलेजर का घर
खड्डे के अंदर है भाई, इसका घर खड्डे के अंदर बन गया। भाई इसने कहा घर बनाया अपना खड्डे के अंदर, ये देखो इसका भी घर यहाँ पर है। अबे यार ये वाला केव भी मस्त जगह है घर बनाने के लिए। पर नहीं गाइस, हमको हमारा ग्रैंड सा घर बनाने का है पानी के अंदर वहाँ पे। अभी अगर डेजर्ट है ना, मेरे को पक्का लग रहा है ना इधर ही किधर थोड़ा सा दूर चल के ना अपने को इधर डेजर्ट टेम्पल ही मिल जाएगा। ओके तो अब मेरे को केव के अंदर जाना है, पर केव के अंदर जाने से पहले मेरे को ना अभी एक छोटा सा टेंशन लग रहा है कि मैं केव के अंदर चले तो जाऊंगा पर मैं केव के अंदर से बाहर कैसे आऊंगा। तो आई थिंक उसके लिए मेरे को थोड़े और आयरन चाहिए, और आई थिंक इसमें सहायता हमारा ये आयरन गोलम कर देगा। आयरन गोलम हमें आपकी थोड़ी सी सहायता चाहिए, ठीक है इधर रुको जरा, थोड़ा सा हमको आयरन चाहिए, इधर आयरन दो। ये मारेगा नहीं ना, क्या ना वाटर बकेट रहेगा ना तो नीचे जाके ना सब ऊपर आने में आसानी होगी। ठीक है देखो मैं नीचे चला जाऊंगा, पर अगर बस वाटर बकेट हो तो ऊपर आने में आसानी होगी। भाई इसने पांच दे दिया, इसने लिटरली पांच दे दिया एक बार में, नाइस। ओके यहाँ पर गार्डन टेबल लगाएंगे और यहाँ पर से एक वाटर बकेट बना लेंगे, और वाटर बकेट में अपने को भरने का है वाटर। ऑफ कोर्स वाटर बकेट में क्या भरते हैं हम लोग, वाटर तो भरेंगे, सुसु तो नहीं करेंगे वाटर बकेट के अंदर है। ओके लेट्स गो टू द केव। गाइस मुझे ये वाला जगह बहुत ही ज्यादा पसंद आया, मेरे को इसके अंदर ही घर बनाना है। और घर के साथ साथ मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे घर के जस्ट बाजू में ना बहुत सारा कोरल है, तो मैं यहाँ पर घर बनाऊंगा और ना वहां से मैं कोरल और सी पिकल सब कुछ लेकर आऊंगा और इस पानी के अंदर ना पूरा आर्टिफिशियल से कोरल बना दूंगा। अबे क्या मस्त लगेगा यार, क्या मस्त लगेगा भाई, सोच के ही भाई मजा आ रहा है यार, के दिल खुश हो जा रहा है भाई, क्या मजा आएगा यार इसके अंदर घर बनाऊंगा और फिर ओ भाई क्या मजा आएगा, क्या मस्त लगेगा घर यार, क्या मस्त लगेगा। ओ भाई दे मुझे मेरा घर कैसा बनाना चाहिए, घर में क्या क्या करना चाहिए, अगर तुम्हारे पास कोई भी सजेशन है रिकमेंडेशन है तो जल्दी से ना मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं इस वीडियो में कमेंट्स पढ़ने वाला हूं और मैं वहां से बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन लूंगा कि मुझे घर को कैसे बनाना चाहिए। ओके अभी चलेंगे केव के तरफ। मुझे अगर कोई स्केलेटन मारना है मैं उसको फूल दूंगा, ठीक है गुलाब का फूल दूंगा उसको, मैं बोलूंगा गुलाब ले ले और मत मार, पीस ऑफरिंग। क्या यहाँ पर नीचे लश केव है, मेरे को पता है एक्चुअली जानने की यहाँ पर कौन से टाइप का केव है। वाह वाह प्रो गेमर मूव, पानी डाला पर पानी डाला बाजू में। ओए तू कहाँ आ रहा है बे, तू कहाँ आ रहा है बे, वेट व्हाट, मैंने उसको एक फटके में कैसे मार दिया। ओ शिट ओके मेरे को रॉटन फ्लैश चाहिए। ओ वहाँ पर एक विच है, मेरे को उसके पास नहीं जाना है, मेरे को यहाँ से नीचे जाना है। नहीं 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 मेरे को नीचे नहीं जाना, ना 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 ना, ना मजा किया मैं, क्या पागल है, मैं नीचे नहीं थोड़ी जाऊंगा, पाग मैं जा रहा हूँ वापस ऊपर जा रहा हूँ, मेरे को नीचे जाना ही नहीं है, मैं जाऊंगा ही नहीं नीचे। ओके यार ये हार्डकोर मेरे को लग रहा है कुछ ज्यादा ही मॉब्स होंगे, इसने अगर यहाँ पे आग लगा दिया तो अरे वांदे लग जाते। और बच गया भाई, मेरा हेल्थ कुछ ज्यादा ही लो है, मुझे मेरा हेल्थ पहला भरने का वेट करना पड़ेगा। यार मुझे यहाँ से नीचे जाना है पर वहां पर बहुत मॉब्स है यार, नीचे है क्या यहाँ, ओ शिट मैं नहीं जा रहा हूँ। अबे यार नीचे जाने तो दो यार पहले। ओ नहीं बाय बाय बाय, इधर क्या है, अबे यार वहां पर तो विच है यार। अबे यार इतना गंदा केव क्यों है यहाँ पर। ओके गाइस हमको डरना नहीं है, हम माइनक्राफ्ट में प्रो है, हम डरते नहीं है, ठीक है मैं केव के अंदर जाने वाला हूँ बिना डरे, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। ओके मैं जा रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली बताया केव के अंदर बताया क्या देखने जा रहा हूँ मुझे। ओ यहाँ पे आयरन है, ओ ये रहा आयरन। अबे यार यहाँ पर नीचे लश केव वगैरह हो तो यार मजा आ जाएगा, पर मेरे केव के अंदर आने का सबसे पहला रीजन यही है कि मुझे केव के अंदर चीजें माइनिंग करनी है, जैसे कि कोल वगैरह सब कुछ लेके आना है, थोड़ा सा कोल निकाल लेते हैं। ओके भाई कोल तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, और इमेजिन करो अगर मुझे खोदते खोदते यहाँ पे डायमंड मिल गया तो क्या किसी को यूट्यूब में उनके सबसे पहले। अभी कितना कोल है बे, अभी इतना खोद के मैं कोल का फैक्ट्री चालू कर सकता हूँ। और वेट यहाँ पर क्या ये आयरन भी है, मेरे को लिटरली कुछ नहीं दिख रहा है अभी, मुझे 36 को, और यहाँ पर आयरन भी है, नाइस मेरे को बहुत सारा आयरन मिल गया यहाँ पे। तो मेरा नीचे जाने का सबसे पहला रीजन यही है। अबे और आयरन, मैं जब भी बात करता हूँ मुझे आयरन मिलता रहता है, सही है। तो यस मेरे नीचे आने का सबसे मेन रीजन यही है कि मुझे देखना है कि क्या यहाँ पर एक लश केव है, क्योंकि अगर लश केव है ओ ये नीचे आ गए, पर यहाँ पर लश केव तो नहीं है, पर यहाँ बहुत सारा कोल है और कॉपर भी है, और नीचे क्रीपर भी है जिसके पास मुझे बिल्कुल नहीं जाना, मैं उस क्रीपर के पास बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। यार अगर नीचे लश केव होता तो क्या मजा आता यार, पर लश केव नहीं है नीचे, पर कोई बात नहीं गाइस। ये लोग कौन से बिल्डिंग से बाहर है, क्या मुझे यहाँ से नीचे जाना चाहिए, मेरा जाने का मन तो कर रहा है पर मेरी फट भी रही है क्योंकि इतने सारे स्केलेटन्स यार सब मिलके पीटेंगे। ना 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 ना, ओए तू कहाँ से आ गया, ओके इसको मार दिया। अबे उसके पास एन्चेंटेड बो है, मरना नहीं मेरे को भाई, एन्चेंटेड बो वाला स्केलेटन कहाँ से आया,
भाई मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ, मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ यार, मेरे को डर लग रहा है नीचे जाने को यार। भाई यार नीचे मेरे को जाने को डर लग रहा है भाई। मैं नीचे चले भी जाता, मैं नीचे चले भी जाता, पर वो इतना ज्यादा गहरा है और वहाँ पे इतने सारे स्केलेटन से यार दूर दूर से तीर मारते रहेंगे सारे मिलकर लगातार मेरे को यार। मेरे को वो नहीं चाहिए यार, मेरे को नहीं मरना है तीर खा खा के। क्या यहाँ पे कहीं और कुछ और केव है क्या? ओ ये रहा एक और केव। और वो केव किस काम, सामने खड़े दोस्त खा। लड़ो लड़ो आपस में लड़ो, यस मारो मारो एक दूसरे को, वेरी गुड यू कैन डू इट, पीटते रहो, मर मार उसको, वेरी गुड, मर एक और बार, नाइस। दोनों नुबड़े मर गए, ये भी चलेगा मेरे को? अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे यार एक टॉर्च बनाना चाहिए, तभी मुझे इतना डार्क लग रहा है, क्योंकि बस टॉर्च नहीं है भाई। मैं टॉर्च यूज करना लिटरली भूल चुका हूँ, मुझे तभी ये पूरा एनवायरमेंट इतना डार्क मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि बस टॉर्च नहीं है। ओके टॉर्च बना लेते हैं, बस कोल तो बहुत सारा है। यार गाइस अभी रात हो रही है और रात के समय ना जाके निन्नी नुन्नी करनी चाहिए, रात के समय मैं क्यों माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ। ये तो केव वही जाती है, ये तो मैं वापस वही केव में आ गया, वेरी गुड। और वहाँ पर एक क्रीपर है इसलिए वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। बाय। तुम्हें पता है मेरे को क्या करना चाहिए? मुझे ना केव जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ ना, मैं ना एक आयरन का आर्मर बना लूँ। मेरे पास इनफ आयरन है कि मैं उससे एक आर्मर बना सकता हूँ। क्या इनफ आयरन है आर्मर बनाने के लिए? चेस्ट प्लेट वगैरह तो बन जाएगा ना यार, मुझे एक आर्मर चाहिए, बिना आर्मर के मैं नहीं जा रहा हूँ लड़ने। तो एक काम करते हैं, जल्दी से वापस चलते हैं अपने विलेज के अंदर, वैसे भी रात हो रहा है तो रात को जाके, सॉरी रात को जाके थोड़ी सी निन्नी नुन्नी कर लेंगे और उसके बाद हम लोग बना लेंगे हमारे लिए एक आयरन का आर्मर, जिस आर्मर से थोड़ा जिंदा रहूंगा, थोड़ा सा सुरक्षित रहूंगा। भाई एपिक वाटर बकेट, भाई क्या वाटर बकेट क्या मैं देखा तुमने? ओ बाय द वे मेरे को बस एक बार देखना है कि मेरा वो शुगर केन कितना होगा। शुगर केन कुछ नहीं होगा लिटरली, चार ओके सबसे पहले यार रात हो गया, रात को निन्नी करनी है तो रात को पहले सो लेंगे। तो यार रात को गेम नहीं खेलना है, रात को हमें निन्नी करनी है और निन्नी करने के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पर, जहाँ चल के हमें हमारे सारे आयरन को पिघलाना है और हमें ये जो आयरन है ये आयरन से हमें निकालना है आयरन के इंगट्स। तो यहाँ पे हमने सारे आयरन को लगा दिए, तो अभी ये सब के सब आयरन पिघलने वाले हैं, ये सभी के सभी आयरन पिघल के बन जाएंगे आयरन इंगट। उसके बाद हम लोग बना सकते हैं हमारे लिए मस्त सा एक आयरन का आर्मर, और आर्मर बनाने के बाद हम लोग जाएंगे केव के अंदर फिर से, क्योंकि एक बार पास आर्मर हो तो यार थोड़ा सिक्योरिटी सेफ्टी रहता है कि यार स्केलेटन मेरे को है। ये क्या आवाज था? ये आवाज अंदर से आया कि बाहर से आया? हेलो कौन आवाज की? ये डिस्क क्या चीज है? अरे कहां से टपका? अबे ऊपर का झाड़ कौन काटा ये वाला? व्हाट, ये डिस्क का टाइटल है हेल्प एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट द हेल, ये डिस्क क्या चीज है? हेल्प मतलब ये डिस्क से किसको हेल्प चाहिए, कि किसका हेल्प करने का है? एक्सक्यूज मी, ओए 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 आयरन गोलम, आयरन गोलम, आयरन गोलम, आयरन गोलम, क्या तू जानता है डिस्क कहां से आया? ये डिस्क पे हेल्प लिखा हुआ है। अभी ये भी नहीं जानता। अबे तो ये डिस्क को मैं यूज कैसे करूं? ये डिस्क को मैं प्ले कहां पे करूं? हेल्प मतलब किसको हेल्प चाहिए, कौन हेल्प मांग रहा है डिस्क भेज के? अरे आया कहां से पहली बात, यहां पर है कौन? भाई आसमान में कोई ऊपर कुछ बिल्ड करके बैठा है क्या गधा? उसके हाथ से कुछ गिर गया, पर वो तो कैसे होगा भाई, वो तो सच पॉसिबल ही नहीं है, मेरा तो सिंगल प्लेयर खेल रहा है यार, ये हेल्प कौन मांग रहा है? हेलो ये सीडी का यूज क्या है? गाइस 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 अगर ये ऐसा हेल्प लिख के कोई भेजा है, मतलब किसी ना किसी को यहाँ पर कोई ना कोई तो है जिसको मेरी मदद चाहिए, और ये कौन है ये मुझे नहीं पता, पर मुझे लग रहा है कि ना अभी ना मुझे पता लगाना पड़ेगा कि ये कौन है, किसको मेरी मदद चाहिए, पर मुझे ये भी नहीं पता इस डिस्क को मैं यूज कैसे करूँ, इस डिस्क को मैं सुनूँ कैसे, क्या राइट क्लिक दबाने से डिस्क बजेगा? राइट क्लिक से कुछ नहीं हो रहा है, इसको फेंक दूं तो कुछ होगा, तो भी कुछ नहीं हो रहा है, मैं करूं क्या इस डिस्क का, डिस्क को कैसे चलाते हैं, ये हेल्प कैसे यूज करते हैं इस डिस्क को, मुझे वो भी नहीं पता। पर गाइस हम लोग को पता लगाना पड़ेगा कि इस डिस्क को यूज कैसे करना है, क्योंकि ये डिस्क से कोई ना कोई तो हेल्प मांग रहा है, कौन है मुझे नहीं पता, बस यहाँ पे दो विलेजर्स है और ये दोनों के दोनों विलेजर्स बंद है, ऐसा तो नहीं है दोनों में से किसी विलेजर ने इसको बाहर फेंक दिया हेल्प करके, मुझे फंसा के रखा है, हमें बचाओ? नहीं इसका तो खिड़की भी नहीं है, इधर कैसे फेंकेगा? गाइस कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, और एक गड़बड़ क्या है ये मेरे को पता लगाने का है, मेरे को पता लगाने का ये डिस्क है क्या, डिस्क कहाँ से आया? तो अगले एपिसोड में गाइस हम लोग ये पता लगाएंगे कि डिस्क कहाँ से आया और डिस्क को हम लोग चलाए कैसे, ये हेल्प मतलब किसको हेल्प चाहिए, और उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे मेरा पहला घर बनाना चालू करना है। सो एनीवे गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप सो आपको आज का वीडियो देखकर मजा आएगा, और मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, और तुमसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।